पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान, इंदौर के बहुचर्चित महाराष्ट्र ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की भी होगी नए सिरे से जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई। बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने भी सीएम कमलनाथ को घोटाले से जुड़े दस्तावेज सौंपे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पेंशन घोटाले पर कैलाश विजयवर्गीय को घेरने के बाद सुमित्रा महाजन को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। महाराष्ट्र ब्राह्मण कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की खुल सकती है फाइलें। 30 करोड़ का हुआ था कथित घोटाला। सुमित्रा महाजन के बेटे मिलिंद महाजन थे बैंक के तत्कालीन डायरेक्टर। सुमित्रा महाजन की निज सचिव वंदना महस्कर के पति भी थे आरोपों के घेरे में। आम लोगों की जमा पूंजी का मनमाने तरीके से बंदरबांट किए जाने के हैं आरोप। दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। एक बात समझ लो, एक भी घोटाला बचेगा नहीं। सेहत घोटाले पे हर 3-4 दिन में एक FIR हो रही है। पेंशन घोटाला का जिन्न आ गया है, रिपोर्ट जैन आयोग की आ गई हमारे पास। इसी तरह बैंक घोटाला, महाराष्ट्र बैंक का घोटाला भी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक लाएंगे। बहुत सारे मोर्चे एक साथ खोलना ठीक भी नहीं होता। हनी ट्रैप आ गया, कई चीज़ें आ गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल चर्चित मामला और पूरा तथ्य भी उसके सामने आ गए हैं। इसमें कोई कैसे बच सकता है? कोऑपरेटिव बैंक का एक समय घोटाला हुआ था, सारे लोगों से रिकवरी हुई कि नहीं? बड़ा घोटाला था वो भी कोऑपरेटिव बैंक का, सारे लोगों से रिकवरी हुई, क्योंकि वो केस FIR के लायक नहीं था। ये केस तो FIR के लायक है, जो तथ्य उभर गया, जो भी हो उसमें हर आदमी को भ्रष्टाचार से मुंह मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जेल की सलाखें। भले BJP चिल्लाएगी बदला ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, बदले की बात नहीं है। हम तो BJP से पूछना चाहते हैं, क्या भ्रष्टाचार पे कांग्रेस रोक लगाए कि नहीं लगाए? भ्रष्टाचारियों को जेल में डाले कि नहीं डाले? ये BJP वाले जवाब दे दें।